सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक जो बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा से फील करता हूं और जो मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी इंसान को हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किताब ही ना बनी हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्री में ही इतना कॉन्टेंट अवेलेबल है कि आप इतना कुछ सीख सकते हैं ऑलरेडी। हम कंसिस्टेंटली कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री में कोर्सेज कर रहे हैं, दो दो तीन तीन घंटे के कोर्सेज कर रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शायद हम सभी को सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि हम जो भी चीजें हम करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ उस चीज को कर पाए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। अगर जब हम उसको नहीं कर पाते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा नीचे है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो किसी भी चीज को करने से पहले, वो होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है उस चीज के लिए रेडी नहीं होता। तो उसके लिए एक सवाल ये आता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक जो बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा से फील करता हूं और जो मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी इंसान को हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज है और वो है अपनी नॉलेज को बढ़ाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत हर किसी को है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिसोर्स क्या है या सोर्स क्या है, वो कहां से आ रहा है? बेसिकली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो हमारे अंदर विश्वास आता है, वो हमें मिलता है हमारी नॉलेज से। जो हम नॉलेज रखते हैं उससे हमें विश्वास मिलता है। किसी भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान से ये पूछता हूं कि आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, फाइनेंशियल बैलेंस शीट कैसे बनाते हो। अगर वो इंसान फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा नहीं है, बात करने में भी बहुत अच्छा नहीं है, वो इंसान फिर भी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस से मुझे बता सकता है। अब समझने वाली बात क्या है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस आया नॉलेज से, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, उसका एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से अगर मैं किसी मार्केटिंग वाले इंसान से पूछूं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा यार मुझे पता नहीं है। वो कॉन्फिडेंट दिखेगा नहीं आपको, कहीं ना कहीं दिखेगा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। चाहे वो मार्केटिंग में कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो उसे, चाहे वो मार्केटिंग में कितनी भी ज्यादा नॉलेज रखता हो। हम कई बार किसी इंसान को देखते हैं कि यार ये कितना ऑसम है यार, इसके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है यार, ये तो कुछ भी कर जाएगा, मेरे को ऐसा बनना है। एक्चुअली उस इंसान जैसा नहीं बनना है, उस इंसान को किसी पर्टिकुलर फील्ड में, एक फील्ड में या दो फील्ड में नॉलेज की बहुत अच्छी पकड़ है, उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है। जब उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है, बहुत अच्छी नॉलेज आप उस पर ले लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो कंसिस्टेंटली बढ़ने लगता है। और हम जो देखते हैं वो देखते हैं उसका एंड रिजल्ट, जब वो सीख चुका है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। लेकिन क्या उसको सेम कॉन्फिडेंस पहले दिन से था उस चीज में? आंसर इज नो। तो हमारे अंदर भी, हम सबके अंदर बहुत से चीजों में ऐसा हो सकता है कि मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज में। तो वो शुरुआत है आपकी। अगर आपको किसी भी चीज के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज कैसे बढ़ सकती है? नॉलेज बढ़ सकती है, नॉलेज का सबसे अच्छा जो रिसोर्स है वो है आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंस में, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा आपके अंदर? आपने किसी ऐसे इंसान से बात की जो इसका एक्सपर्ट है, तो उन्होंने आपको गाइड किया। जब वो आपको गाइड कर रहे हैं तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे लोगों से कंसिस्टेंटली नेटवर्किंग करते रहो, ऐसे लोगों से कंसिस्टेंटली मिलते रहो जो उसी रिलेटेड फील्ड के हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। धीरे धीरे उनके साथ इंटरेक्शन में आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका आप कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंस वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। उसके अलावा क्या तरीका? उसके अलावा तरीका आप किताबें पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं किताबें पढ़ना
किताबें पढ़ के आप किसी भी एरिया की नॉलेज की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी एरिया को पढ़ सकते हैं आप, फाइनेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हैबिट्स के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में, आप न्यूरो साइंस, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी है जो, ऐसी सब्जेक्ट पे कोई किताब ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किताब ही ना बनी हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, हर सब्जेक्ट पर एक नए किताब जरूर बनी है। और यही कारण है कि हम स्कूल से, कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किताबें ही पढ़ते आ रहे हैं और अब भी बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी चीज के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज भरी पड़ी है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक के इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारी नॉलेज को ग्रास्प कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप, उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं, टेक टॉक सुन सकते हैं, जहां पर वो जिस लाइन में आप जानते हैं, जो आपको लगता है ये मेरा हीरो है, उसकी वीडियो देखिए, उसका इंटरव्यू चेक कीजिए कि उन्होंने क्या किया है, तो वो सारी चीजें आप सीख रहे हैं। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, इतने सारे आई थिंक 250 से ज्यादा बुक्स की वीडियोस हमारे चैनल पर रखी है, आप उनको देख सकते हैं। फिर अगर वो वीडियो पसंद आए तो आप उनकी किताबें भी खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और ये सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश की किताबें पढ़ो, इंग्लिश स्पीकिंग की किताबें पढ़ो। एक्चुअली कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसकी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने का रिसोर्स ना हो। बहुत सारे पेड रिसोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं, बट मुझे लगता है यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में ही इतना कॉन्टेंट अवेलेबल है कि आप इतना कुछ सीख सकते हैं। ऑलरेडी हम कंसिस्टेंटली कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री में कोर्सेज कर रहे हैं, दो दो तीन तीन घंटे के कोर्सेज कर रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। बट ओवरऑल ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, ये सारी के सारी चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं कि आपका, आपकी लाइफ पर कॉन्फिडेंस बढ़ सके। जिस एरिया में आप बढ़ना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, उस चीज के लिए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सके। ये सारे तरीके हैं जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको फ्री रिसोर्सेज हैं, आपके पास फ्री वीडियोस हैं, फ्री किताबें हैं, हर चीज मिल सकती है अगर आप सच में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो सिर्फ एक चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस पर काम कर लिया तो आप हर चीज पर काम कर सकते हैं, वो है अपनी नॉलेज को बढ़ाना। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और लाइफ में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हमारी वीडियो अगर आपको कंसिस्टेंटली पसंद आती है, आप हमारे वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, फ्री कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस जिस इंसान को इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट।